तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, पहले चरण के लिए भरे जा रहे नामांकन, 3,847 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव। पंच और सरपंच चुनाव के लिए आज नामांकन भरना शुरू हो चुके हैं, पहले चरण के लिए आज शाम 4:30 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, उसके बाद फिर मतदान। भरतपुर के कैथवाड़ा से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान मचा बवाल, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आक्रोशित भीड़ ने 3 पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बंधकों को छुड़वाया। केकड़ी के सावर में यात्री प्रतीक्षालय की छत गिरने के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दौरे के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के AEN को APO करने का निर्देश दिया गया, तो कनिष्ठ अभियंता को सस्पेंड किया गया है। चूरू में पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की है, ट्रक से अंग्रेजी शराब के 776 कार्टन जब्त किए गए। जयपुर में महिला का मर्डर बना मिस्ट्री, महिला के पिता ने पति पर ही लगाया हत्या का आरोप, दहेज प्रताड़ना की बात कही। जालू के भीनमाल में जी मीडिया के सिंह ऑपरेशन का हुआ बड़ा असर, जुए के काले कारोबार पर कसा गया शिकंजा, 16 जुआरी गिरफ्तार। पुणे में युवक को गोली मारने के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, वीडियो में फायरिंग करते हुए दिखा आरोपी, कल की वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी का मामला आया सामने, बदमाशों ने एक फ्लैट को बनाया निशाना, लाखों के आभूषण चुराए, नकदी पर भी किया हादसा। दौसा के कादुली गांव में अग्रवाल ढाबे पर शराब के नशे में धुत युवकों ने किया जमकर हंगामा, इस दौरान एक बदमाश को पकड़कर लोगों ने धुनाई कर दी, पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। सीकर के निमका थाना के टोडा गांव में सुबह खेत में बाढ़ में महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, महिला की गर्दन पर रस्सी बंधी हुई पाई गई, पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जयपुर के बजाज नगर स्थित अनीता कॉलोनी के एक मकान में अचानक आग लग गई, आग से 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 अन्य घायलों को जयपुर अस्पताल में कराया गया। बांसवाड़ा जिले में NH-113 पर हिलेच घाटी पर तेल से भरा एक मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, ट्रक पलटने की वजह से उसमें रखे तेल के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। सवाईमाधोपुर में मथुरा भाड़ोती हाईवे पर जीवन नदी के पास अज्ञात वाहन की एक टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, अज्ञात वाहन चालक मौके से हुआ फरार, पुलिस मामले की कर रही है जांच। दुर्गापुर जिले के दोबड़ा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्गापुर के वर्धा क्षेत्र में 4 दिन पहले ही जीप और स्कूटी के बीच टक्कर के मामले में घायल स्कूटी सवार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जीप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कड़कड़ाती ठंड के बीच जयपुर के नीदड़ गांव में किसानों का जमीन सत्याग्रह लगातार जारी है, किसान अपनी जमीन बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे जमीन के भीतर अपने आप को गर्दन तक जमीन के अंदर गाड़ चुके हैं। बारा कृषि उपज मंडी के वर्ग व्यापार संघ अध्यक्ष के चुनाव शहर के कृषि उपज मंडी के किसान भवन में संपन्न हुए, हिमराज गोयल महज 1 वोट से विजयी रहे। नागौर के मेड़ता रोड जंक्शन के रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए स्थापित की गई GRP चौकी सुविधाओं के अभाव में नकारा साबित हो रही है। रेलवे की DRM मंजुषा जैन ने सीकर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, उन्होंने स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीकर के खंडेला में वार्ड नंबर 2 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मुस्लिम महासभा की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, शिविर में 285 रोगियों के इलाज संबंधित उन्हें परामर्श दिए गए। सीकर के खंडेला के वार्ड नंबर 19 के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को निःशुल्क स्वेटर दिए गए, आंगनबाड़ी में आने वाले सभी बालक बालिकाओं को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर दिए गए। सीकर के खंडेला के राजकीय अस्पताल के पुराने भवन में कुम्हार महासभा की तरफ से ब्लड कैंप लगाया गया, शिविर में मित्तल अस्पताल ब्लड बैंक की टीम ने सेवाएं दी, शिविर में 82 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। टिड्डी दल से किसानों की फसलों को नुकसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी खाजूवाला के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर विरोध किया और नुकसान के लिए गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है।
जयपुर में सरकारी स्कूल के नए कक्षों का उद्घाटन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। लालचंद कटारिया, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा भी रहे मौजूद। खिचड़ी के कॉपर खदान में हुआ अपरन कन्वेयर का उद्घाटन, केसी जीएम सिमरीज डे ने उद्घाटन किया। बरसाना में अल सुबह भारी कोहरे की वजह से वाहन हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। विजिबिलिटी लो होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। उपगंज क्षेत्र बौली में अचानक मौसम का मिजाज बदला। अचानक हुई बारिश के बाद क्षेत्र में शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। श्री विजयनगर में भी ट्रेड यूनियन की तरफ से श्री विजयनगर को बंद करवाकर 5 बत्ती चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कस्बे में वामपंथी दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की ओर से कस्बे को बंद करवाया गया। श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में 11 ट्रेड यूनियन की ओर से आज हड़ताल की गई है। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो पर प्रदर्शन किया। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो विरोध भी जताया। केंद्र सरकार की मजदूर और जन विरोधी आर्थिक नीतियों के विरोध में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी संगठनों की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा के कुपड़ा पंचायत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से लाखों की लागत से सड़क बनवाने का काम जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से ही निर्माण घटिया हो रहा है। बूंदी के केशव राय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कस्बे के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी देख चंद्रकांता ने जमकर लताड़ भी लगाई। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पतंग की बिक्री बढ़ जाती है। बांसवाड़ा में बच्चों से लेकर युवाओं में मोदी पतंग को लेकर क्रेज है। झालावाड़ के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पगारिया शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए की क्लेम राशि मृतक के परिजनों के खातों में ट्रांसफर की। झालावाड़ के आवर कस्बे में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल अचानक नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद की ओर से प्रायोजित शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा के लिए बागवानी विषय पर 5 दिवसीय कार्यक्रम दर्ज किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किला में आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। एक शिविर लगाकर बालिकाओं को और शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। अलवर सदर थाना अंतर्गत एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का केस दर्ज करवाया है। धौलपुर में भयमुक्त और निष्पक्ष पंचायत चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने गांवों में फ्लैग मार्च किया। जुजनों के डूंडोद के रीड्स पब्लिक स्कूल में 23वां वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया। समारोह में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की तरफ से आयोजित महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। 7 दिनों तक आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इडवाना में उपखंड अधिकारी ने जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने जेल की सारी व्यवस्थाओं को देखा। जेल में जैमर नहीं होने पर उपखंड अधिकारी ने जेल में जैमर लगाने का आदेश भी दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में हुई कार लूट के मामले में खुलासा हुआ है। लुटेरों की योजना, लूटी हुई कार से सीकर से नोहर पेशी पर आने जाने वाले जेल प्रहरी हत्याकांड के आरोपितों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए की गई थी। बाराकेंदा में रायपुरिया में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में ग्रामीणों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। 3 पुलिसकर्मियों को आई चोटें। किसानों पर टिड्डियों का कहर लगातार जारी। लूणी कस्बे में 10 किलोमीटर में टिड्डी दल फैल गया है। जिसके सफाई के लिए जोधपुर जिला प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। केमिकल का छिड़काव करवाया गया। बाड़मेर जिले में पाक की तरफ से आने वाले टिड्डियों का हमला लगातार जारी है। समदड़ी क्षेत्र में किसानों ने देसी जुगाड़ यानी ढोल थालियां पीटकर और धुआं करके टिड्डियों को भगाने के प्रयास किए। रिडवाना से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। कुचामन में गटर ढहने से एक मजदूर दबा है। जेसीबी के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 1 घंटे से भी वक्त बीत चुका है ज्यादा, और युवक को दबे हुए कहा जा रहा है कि उसे अभी तक निकाला नहीं जा सका है।
युवक की पहचान कुचामन निवासी मुकेश नायक के तौर पर हुई है। तो आप देखिए रेस्क्यू की ये तस्वीरें सीधी दिखाई पड़ रही है डीडवाना से। कुचामन में गटर दहने से एक मजदूर की जान पर आफत आ गई है, उसको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। हनुमान तमा डीडवाना से जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। हनुमान, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है, अभी तक रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? देखिए आशीष, आपको बता देना चाहूंगा कि कुचामन के बागड़ा कॉलोनी का यह मामला है। गटर खोदते वक्त मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर जो है वो मिट्टी के नीचे दब गया है। इसका रेस्क्यू पिछले 1.5 घंटे से जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता रेस्क्यू में नहीं मिल पाई है। अभी तक मजदूर को नहीं निकाला जा सका है। प्रयास ये किया जा रहा है कि क्योंकि सखड़ी गली है तो वहां केवल एक जेसीबी ही पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से प्रयास तो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। जी आशीष, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, जाहिर तौर पर प्रशासनिक हमले की भी कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, लेकिन क्या कोई लापरवाही एक बड़ी वजह बनी है इस मजदूर की जान पर आफत जो आई है? जी देखिए, इसमें लापरवाही तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये गली का मामला है, एक मोहल्ले का मामला है, तो उसमें गटर खोदते वक्त मिट्टी जो है वो धस गई एकदम से। हाँ, लापरवाही ये जरूर थी कि सुरक्षा उपकरणों की कमी की लापरवाही हम मान सकते हैं, कि वहाँ बिना सुरक्षा के ही मजदूर का गटर खोदने के लिए उतरना भारी पड़ गया और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हनुमान। और निश्चित रूप से एक बड़ी खबर कही जा सकती है, जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है वो भले मजदूर को बचाने की कोशिशों के लिए चल रहा हो, लेकिन लापरवाहियां, सुरक्षा उपकरणों के बिना गटर की सफाई करने वाला, इस तरीके के दरअसल पहले भी मामले आते रहे हैं, इसलिए गंभीर हो जाता है ये मामला। एक बार फिर से बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। अनूपगढ़ के उपखंड कार्यालय में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारियां लगातार चल रही हैं। एक बैठक का किया गया आयोजन, बैठक में एसडीएम के तरफ से विभिन्न जो अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा की गई। प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पिकअप में तस्करी करके ले जाई जा रही सागवान की गीली लकड़ी को जब्त किया, चालक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। करौली में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर जिले में नवगठित ग्राम पंचायत थबुगड़ा के विभिन्न वार्ड में बीएलओ की मनमर्जी के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। नागौर के बदवासी गांव की महिलाएं तख्तियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। महिलाएं गांव में शराब के ठेके का विरोध करती हुई नजर आई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर जिले के सर्दी और कोहरे का असर जिले में साफ दिखता है। विजिबिलिटी लो है, वाहन चालकों को होती है भारी परेशानी। दिन में भी लाइट जलाकर चलते हैं वाहन। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। बीकानेर में सर्दी से कुछ राहत के बाद आज एक बार फिर से सर्दी ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच तेहरान के पास यूक्रेनियन बोइंग विमान हुआ क्रैश। क्रू मेंबर समेत सभी 176 यात्रियों की हुई मौत। उड़ान भरते ही हुआ हादसे का शिकार। ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर किया हमला। अल असद और इरबिल बेस पर 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। भारत के विमान कंपनियों को अलर्ट। विमान कंपनियां खाड़ी देशों के एयर स्पेस का ना करें इस्तेमाल। मलेशियन एयरलाइंस का ईरान का एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने का फैसला। आज ट्रेड यूनियंस का भारत बंद। हावड़ा में रोकी गई ट्रेन। कुछ बिहार में पत्थरबाजी। 6 बैंक और 60 स्टूडेंट यूनियन बंद में शामिल। बैंकिंग सेवा पर भी पड़ रहा है असर। आज जेएनयू के वाइस चांसलर से मुलाकात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी। हालातों की लेंगे जानकारी। कांग्रेस की बनाई गई जांच कमेटी भी जाएगी जेएनयू। तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारियां आज शुरू। दोषियों के पास बचने के लिए अब मात्र 2 रास्ते। पहले क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के सामने दया याचिका। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू के लेफ्ट समर्थक छात्रों के प्रदर्शन में हुई शामिल। सोशल मीडिया पर विरोध और समर्थन में आए लोग। फिल्म छपाक के प्रमोशन का भी आरोप।
जेएनयू की हिंसा में छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ दर्ज हुई 2 FIR। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा 5 जनवरी की घटना दुखद, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने वाली लड़की की हुई पहचान, महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा होगी कार्रवाई। बीजेपी के सवाल पर संजय राउत बोले नहीं किया है राष्ट्रवाद से कोई भी समझौता। सीबीआई ने बिहार के 17 शेल्टर होम में यौन शोषण के मामले में कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। सीबीआई ने की 25 डीएम और 71 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। जम्मू कश्मीर में विदेशी डेलीगेशन भेजने की तैयारी में भारत, 9 से 10 जनवरी को जमीनी हालातों का जायजा लेने जाएंगे ईयू आसियान के प्रतिनिधि। रेलवे में रुक नहीं रही चेन पुलिंग की घटनाएं, साल 2019 में 55,373 चेन खींचने की घटनाएं सामने आई थी, आरपीएफ ने जारी किए आंकड़े। 95% देसी साजो सामान से तैयार टॉरपेडो वरुणास्त्र को बढ़ी हुई रेंज और नेविगेशन सिस्टम के साथ अगले कुछ महीनों में नेवी में शामिल किया जाएगा। वरुणास्त्र में जीपीएस आधारित लोकेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे सटीक निशाना साधा जा सकता है। देश में प्याज के दाम अभी भी 100 रुपए प्रति किलो की दर से चल रहे हैं, इसके बावजूद राज्य सरकारें विशेष रूप से विदेशों से आयातित सस्ते प्याज खरीदने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने विदेशों से 45,000 टन प्याज आयात करने का फैसला किया था, जिसमें से 5,000 टन प्याज का आयात हो भी चुका है, बाकी का प्याज रास्ते में है। देश की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 5% रहने का अनुमान है, पिछले वित्त वर्ष में 6.8% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों में ये बात सामने आई है। अहमदाबाद रिवरफ्रंट पर आयोजित 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया उद्घाटन। महोत्सव में इस बार 43 देशों के 153 पतंगबाज ले रहे हैं हिस्सा। दुनिया में पहली बार जलेश क्रूज शिप पर ज्वेलरी एग्जीबिशन का किया गया आयोजन, दुनिया भर के ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स यहां पर आ रहे हैं। एग्जीबिशन का केवल मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स ही इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर की बात करते हैं।